लखवाड़ भी मिली थी, और लखवाड़ योजना उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा को इसके पानी का लाभ मिलने वाला है, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री गणों के साथ उसकी अंतिम मंजूरी भी हो चुकी है। और इस योजना के तहत उत्तराखंड देहरादून के लखवाड़ गांव के पास यमुना नदी पर 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनेगा, और बांध की जो संग्रहण क्षमता है वो 330.66 MCM होगी। इससे 33,780 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इसके साथ ही इससे यमुना बेसिन क्षेत्र वाले राज्यों में घरेलू तथा औद्योगिक इस्तेमाल और पीने के लिए 78.83 MCM पानी उपलब्ध होगा। इस प्रोजेक्ट में जो संग्रहित जल है उसका बंटवारा यमुना के बेसिन क्षेत्र वाले 6 राज्यों के बीच जो 12 मई 1994 को समझौता किया गया था, उसी समझौते के अनुरूप इसके जल का बंटवारा भी होगा। और इस योजना में जो विद्युत उत्पादन होगा वो उसका उस पर केवल उत्तराखंड का हक होगा, यानी कि बिजली पूरी तरह से उत्तराखंड की होगी, और पानी का जो बंटवारा है सभी राज्यों के अनुसार जो 1994 का समझौता है उसके अनुरूप होगा। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से उनका धन्यवाद करता हूं कि बहुत लंबे समय से निर्माणाधीन और स्वीकृति जिनको नहीं मिल पा रही थी उन सभी को स्वीकृति मिली है। तो ये सब तभी संभव हुआ है जब माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमको प्राप्त हुआ है, और उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी योजनाएं जो लंबे समय से प्रस्तावित थी लेकिन स्वीकृत नहीं हो रही थी उन सभी को स्वीकृति मिली है। इसी प्रकार बहुत सारे नेशनल हाईवे के जो प्रोजेक्ट हैं वो भी हमारे तेज़ी से आगे को बढ़ रहे हैं, जैसे देहरादून से दिल्ली एलिवेटेड रोड का काम भी तेज़ी से चल रहा है। इसके अलावा कुमाऊं से गढ़वाल की जो दूरी है वो दूरी भी निकट भविष्य में 1 घंटे की दूरी कम होने वाली है। नजीबाबाद से सीधे अफजलगढ़ तक का मार्ग भी स्वीकृति भारत सरकार ने उसको भी स्वीकृत कर दिया है। हल्द्वानी शहर स्मार्ट सिटी के तर्ज पर बनाया जाए उसके लिए भी 1600 करोड़ रुपए की जो टेंडर हैं वो टेंडर हो चुके हैं, जल्दी ही वो भी खुलेंगे, उन पर भी काम शुरू हो जाएगा। मास्टर प्लान जहां केदारखंड में आज अनेकों कार्य चल रहे हैं जिसमें चार धाम ऑल वेदर रोडों के साथ साथ हमारा जो पुनर्निर्माण का कार्य है केदारनाथ जी का वह तेज़ी से काम चल रहा है। 800 से भी ज़्यादा आज श्रमिक वहाँ पर काम कर रहे हैं। बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान पर काम हो रहा है। जल्दी ही हेमकुंड साहब और केदारनाथ का रोपवे भी जल्दी ही अपना निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा अभी हाल की यात्रा में जो जौलीकोंग, आदि कैलाश, पार्वती कुंड, गुंजी, जागेश्वर धाम और पिथौरागढ़ सीमांत की जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यात्रा की है, उस यात्रा के बाद उत्तराखंड की सरकार इन सभी जो मानस खंड के अंतर्गत आने वाले धार्मिक स्थान है, हमारे मंदिर हैं, उन सभी का एक मास्टर प्लान तैयार कर रही है। और भारत सरकार के सहयोग से जहां एक सर्किट बृहद रूप से इसका बनाया जाएगा, वहीं आने वाले समय में चारधाम यात्रा के यात्री पूरे उत्तराखंड के अंदर जाएं, कुमाऊं और गढ़वाल की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी हम राज्य सरकार की ओर से भी प्रयास करेंगे और भारत सरकार से भी इसके सहयोग के लिए निवेदन करेंगे। धन्यवाद। देखिए, एक तो मैं बताना चाहता हूँ कि 2018 में इन्वेस्टर समिट राज्य के अंदर हुई थी, उस समिट में भी बहुत सारे प्रस्ताव और बहुत सारे MOU उस समय हुए थे, उसमें से बहुत सारे लोगों से हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं। और इस दौरान जो हमने उसी काम को आगे बढ़ाया उसमें इंग्लैंड, आबू धाबी और दुबई, दिल्ली और मद्रास, इन शहरों में
सभी निवेशकों से और उद्योग समूह के लोगों से मिलना हुआ था, सबसे बातचीत की है, सभी से बात करने के बाद बड़ी संख्या में निवेशकों के प्रस्ताव और उनका आकर्षण उत्तराखंड की ओर है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। अभी तक 65,000 करोड़ रुपए के निवेशकों के करार हमारे साथ हो गए हैं, लेकिन आने वाले समय में और भी बड़ी संख्या में आने वाले हैं, लेकिन हमने तय किया है कि MOU होते रहेंगे और उसको और आगे गुणवत्ता के आधार पर या राज्य की जो प्राथमिकता होगी या राज्य के लिए जो ज़्यादा फायदेमंद होंगे उन सभी को हम अपनी प्राथमिकता में लेंगे, लेकिन उसकी ग्राउंडिंग ठीक से हो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले ही जिस दिन हमारा इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा, जो कार्यक्रम हमारा 8 और 9 दिसंबर को प्रस्तावित है, उससे पहले हमारा प्रयास है कि उसकी एक अच्छी ग्राउंडिंग पहले ही हम कर लें। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और खुशी की बात यह है कि पूरे देश दुनिया के अंदर धीरे धीरे उत्तराखंड की बात जा रही है। उत्तराखंड की जो यहाँ पर कानून व्यवस्था से लेकर जो हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर है, जो श्रमिक वर्ग और प्रबंधन वर्ग के बीच बहुत ज़्यादा जो क्लैश नहीं है, और एक यहाँ की जलवायु से लेकर पर्यावरण, यहाँ का शुद्ध आबोहवा पूरे विश्व के लोगों को, देश के लोगों को आकर्षित कर रही है। उसमें उसके उन सब लोगों को जहाँ वो लोग आना चाहते हैं, हमारा भी ये प्रयास है कि उनके लिए अच्छी योजनाओं का थोड़ा मैं कहूँ कि लिबरल जिनको योजनाओं को बनाना, नए पॉलिसीज को लाना, वो सब काम हमने किया है। एक लैंड बैंक भी तैयार किया है और ज़रूरत पड़ने पर आगे भी हम लोग जो इन्वेस्टर हैं उनके बहुत सारे सुझाव भी हमको प्राप्त हो रहे हैं। कुछ स्थानों पर हेली सेवा, अभी हेली सेवा देने के लिए, और देहरादून में आज लगभग 37 फ्लाइटें पूरे देश के अंदर से प्रमुख शहरों से यहाँ से जाती हैं। कुछ शहर अभी छूटे हुए हैं, उनको भी हम लोगों ने आगे निकट भविष्य में उन शहरों को भी जोड़ना है। और दुबई और अबू धाबी में जब हम लोगों से मिले तो लोगों ने एक अपनी ये बात भी हमको सुझाव के रूप में दी थी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान देहरादून से या पंतनगर से होगी तो और देश दुनिया के लोग आएंगे, तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। हमने भारत सरकार को भी इसका निवेदन किया है कि जल्दी ही जो है हमारी जो हवाई सेवाएं हैं उनको भी उच्चीकृत किया जाए। देखिए, विशेष रूप से इंडस्ट्री है और टूरिज्म है, इसके साथ वेलनेस का है, हेल्थ सेक्टर है, इन सब पर हमारा विशेष फोकस है। बाकी एडवेंचर टूरिज्म भी काफ़ी लोगों ने जो है उसको प्राथमिकता से कहा है कि हम काम करना चाहते हैं हेल्थ के सेक्टर में, कैंसर जैसी बीमारियों से इलाज के लिए लोग यहाँ पर आना चाहते हैं। और विभिन्न क्षेत्र हैं अलग अलग सेक्टरों में, चूँकि हमारे यहाँ पर फार्मा का भी बहुत बड़ा सेक्टर है, ऑटोमोबाइल्स का भी बड़ा हब है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ पहले से काम कर रही है। एक सुदीप ने पहले प्रश्न पूछा था कि पुराने वाले जो हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री लगी हुई है उसमें से भी हमको जो है एक बड़ी संख्या, मतलब मैं समझता हूँ कि 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपये का एक्सपेंशन जो पुरानी जो इंडस्ट्री हमारे पहले से एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री हैं वो भी अपने को एक्सपेंड कर रही हैं। और हमने कुछ नियमों में भी और पॉलिसी में भी कुछ जो शिथिलीकरण किया है, लिबरल जो बनाया है, उसमें उनके जो अंदर का जो एरिया होता है, क्या बोलते हैं उस एरिया को जिसके अंदर फैक्ट्री लगी होती है, वो ग्राउंड कवरेज एरिया, उसको भी हमने थोड़ा जो है उसमें भी हमने थोड़ा ढील दी है कि जितनी जरूरी है उसके अलावा वो अपने यूज में ले सकते हैं। नहीं, टोटल इतनी है अभी तो आगे जो अभी और भी, चूंकि क्या होता है कि जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसमें ये पहले का बना हुआ है, तो आगे समय में जैसे समय समय पर विस्तार की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें परिवार तो एग्जैक्ट अभी इसमें जितने भी परिवार हैं जो भी उसके जद में आएंगे
उन सभी के पुनर्वास के लिए हमने पहले से ही कैबिनेट में नई जमीन जो है पराग फार्म में वो देख ली है और उनका पुनर्वास हम पराग फार्म में करेंगे। वहाँ नहीं, हमारा अब प्रयास होगा कि जो भी अब अन्य औपचारिकताएं हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी हों और जल्दी से जल्दी उसका भूमि पूजन होकर उस पर काम को प्रारंभ किया जाए। नहीं, कर लिया 6,000 एकड़। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो इंडस्ट्री के लिए उपयुक्त स्थान है और रेजिडेंशियल जो कोई क्वार्टर बनाने हैं या हमारे कर्मचारियों के अधिकारियों के अगर आवास बनने हैं तो वो प्राथमिकता के आधार पर भी कहाँ पर अच्छे आवास बन सकते हैं, कहाँ पर इंडस्ट्री लग सकती है, उसकी दोनों की जो कैटेगरी है उसके आधार पर तय कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से वो तो सरकार की व्यवस्था है कि अगर सरकारी क्वार्टर कहीं पर बनने हैं तो अगली जगह पर बनेंगे तो निश्चित उसमें कोई। देखिए ऐसा है, मैं प्रधानमंत्री जी का फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उनका उत्तराखंड से बहुत लगाव है और उन्होंने अनेक अवसरों पर कहा है कि उत्तराखंड से मेरा कर्म मर्म का रिश्ता है। तो उत्तराखंड में उनके बनने के बाद आप देखते होंगे चार धाम ऑल वेदर रोडें बनी हैं, भारतमाला श्रृंखला की रोडें बनी हैं, हमारे यहाँ पर एम्स का संचालन शुरू हुआ है, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम शुरू हुआ है, दूरस्थ क्षेत्रों को वाइब्रेंट विलेज के रूप में बढ़ाया गया है, केदारनाथ बद्रीनाथ मास्टर प्लान और पुनर्निर्माण के काम हुए हैं, हमारे यहाँ पर रोपवे की योजनाएं आई हैं, नया एम्स एक उधम सिंह नगर में बनाया है, देहरादून हो चाहे अन्य शहर हो या हवाई सेवाएं हो सबको अपग्रेड हुआ है, देहरादून का हवाई अड्डा अपग्रेड हुआ है। तो ये प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है और उत्तराखंड की जनता का भी उनसे लगाव है, उनको अपने परिवार का मानते हैं, एक परिवार के नाते प्रधानमंत्री जी ने किया है, हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। देखिए जो बड़ी इंडस्ट्री हैं उनके लिए तो चूंकि लैंड बैंक जो चाहिए वो हमारा चार जिलों में उपलब्ध है, लेकिन हमारी प्राथमिकता है कि जो लोग जो इंडस्ट्री भी पहाड़ों में जाएंगी, जो पहाड़ों में पर्यटन के रूप में एडवेंचर टूरिज्म के रूप में हेल्थ वेलनेस के क्षेत्र में, उन सभी को प्राथमिकता देंगे और हमारा भी प्रयास है कि अधिक से अधिक इंडस्ट्री जो है केवल हमारे चार जिलों के अलावा पहाड़ों में भी जाएँ। उसके लिए हम जिलाधिकारियों के साथ भी जल्दी ही बैठक भी करने वाले हैं, उन सभी को हमने पहले से ही ये प्रस्ताव भेजा हुआ है कि अपने अपने यहाँ पर क्या संभावना पर उनके यहाँ काम हो सकता है वो हमको दें। देखिए जो भी हम फैसला लेंगे वो बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता के आधार पर पारदर्शिता के आधार पर जो राज्य के हित में होगा, यहाँ के हमारे बेटे बेटियों के हमारे भाई बहनों के हित में होगा। अभी तक हमने वो सारे फैसले लिए हैं जो राज्य के हित में हैं, हमारे भाई बहनों के हित में हैं और आगे भी हम उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। देर हो सकती है लेकिन हमारी मंशा पर किसी प्रकार का कोई वो नहीं है, हम बिल्कुल